हेलो फ्रेंड्स, की खबर? ভালে আছে নিশ্চয় সকলো। আজি এটা বিশেষ ভিডিও শেয়ার করিম, এগৰাকী অভিনেত্রীৰ এটা বিশেষ ভিডিও। হে অভিনেত্রী গৰাকী অসমৰ জিয়ৰী, কিন্তু মুম্বাইত প্ৰতিষ্ঠিত এগৰাকী ভাল অভিনেত্রী। তেও কালৰ টিভি, ষ্টাৰ প্লাছকে ধৰি বিভিন্ন আগশাৰীৰ চেনেলত তেও ধাৰাবাহিকত কাম কৰিছে। লগতে জুবিন গাৰ্গৰ গানে কি আনে ছবিখনত জুবিন গাৰ্গৰ বিপৰীতে তেও অভিনয় কৰিছে, আৰু লগতে বহুকেইটা তেও গানো গাইছে জুবিন গাৰ্গৰ লগত। সেইগৰাকী অভিনেত্রী হৈছে পৰিণীতা বৰঠাকুৰ। আপোনালোকে ইতিমধ্যে সকলোৱে চিনি পায়। কিন্তু আচলতে কিছুদিন পূৰ্বে এগৰাকী অভিনেত্রী আত্মহত্যা কৰিছে, আৰু তাৰ পিছতে পৰিণীতা বৰঠাকুৰে এটা ভিডিও শ্বেয়াৰ কৰিছে। সেই ভিডিঅ'টোত তেওঁ অভিনয় জগতত বিভিন্ন চিৰিয়েলত বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে কাষ্টিং হয়, আৰু তাৰ পিছত ধাৰাবাহিকসমূহৰ পে'মেণ্ট কেনেদৰে হয় ভিতৰুৱা কথা বহুতো তেওঁ শ্বেয়াৰ কৰিছে, আৰু লগতে কেইটামান তেওঁ মটিভেশ্যনেল কথা কৈছে, যিসমূহ আচলতে প্ৰতিজন অভিনয়প্ৰেমী ৰাইজে বা প্ৰতিজন ব্যক্তিয়ে জনা উচিত মই ভাবোঁ। আৰু সেয়েহে আজি সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ মই আগবঢ়াব লৈছোঁ, আৰু সেই ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব। এটাই অনুৰোধ, লাইক কৰে নকৰে কিন্তু সেই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ নিশ্চয় কৰিব, যাতে প্ৰতিগৰাকীয়ে সেই ভিডিঅ'টো পায়, আৰু যিসকলক বিশেষকৈ সেই কথাসমূহ প্ৰয়োজন বুলি ভাবে তেওঁলোকে যাতে উপলব্ধি কৰিব পাৰে। গতিকে আহক এই বিশেষ ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াওঁ। Hi everyone. So this is a very very impromptu video. मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी टाइम्स ऑफ इंडिया के ऐप में, और मैंने देखा कि एक लड़की जो कि एक्ट्रेस है उसने सुसाइड किया है, और इससे पहले भी दो हफ्ते पहले भी हमें पता चला है दो ऐसे केसेस। तो मैं आज उन लोगों से बात करना चाहती हूँ जिन लोगों ने ये सोचा है, ये प्लान किया है कि फ्यूचर में वो एक्टिंग करना चाहते हैं या तो मुंबई आके एक्टिंग लाइन में ट्राई करना चाहते हैं। सो द थिंग इज़ दैट मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ प्रिपेयर्ड होकर आए। मैं यहाँ पर एक्टिंग की प्रिपरेशन की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, एक्टिंग की प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, फिर भी उससे भी ज़्यादा अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करके आए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपकी नौकरी लग गई तो हो गया, रिटायरमेंट तक आप एक जगह पे फिक्स हो गए, उसके बाद आपको पेंशन मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे हर दिन एक स्ट्रगल है, हर रोज़ एक स्ट्रगल है। ऐसा नहीं है कि आपके आते ही आपको शो मिल जाएगा। मैं यहाँ पे स्पेशली टीवी शो के बारे में बताऊँगी, क्योंकि मैं ज़्यादातर टीवी शो करती हूँ, यू नो। और ऐसा नहीं है कि एक शो से आपको पॉपुलैरिटी मिल गई, आप पॉपुलर हो गए, लोगों ने आपको पहचान लिया तो इमीडिएटली आपको दूसरा शो मिल जाएगा, फिर तीसरा, चौथा, ऐसा भी नहीं है। देर इज़ नो सर्टनटी, देर इज़ लाइक इट्स लाइक अ स्ट्रगल एवरी डे एवरी टाइम, ओके। एंड देर इज़ नो गारंटी कि एक शो अगर आपको मिलता है तो वो शो कितने दिन चलेगा, कितने सालों तक चलेगा। और रही बात पैसों की, तो कुछ लोग शायद जानते होंगे और जो नहीं जानते हैं आप ये बात सुन लीजिए। सपोजिंग आपने जनवरी में शूटिंग की, तो कुछ प्रोड्यूसर्स ऐसे अच्छे होते हैं जो मानते हैं कि ठीक है, शूटिंग के 90 डेज़ बाद आपको पेमेंट मिलेगा, पर ज़्यादातर होता है कि टेलीकास्ट के 90 डेज़ बाद। सपोजिंग आपने जनवरी में शूटिंग की, आपका शो का टेलीकास्ट पोस्टपोन होते 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 किसी भी वजह से मार्च में आ गया, ओके। तो आपका जो जनवरी का पेमेंट है वो मार्च, क्योंकि आफ्टर टेलीकास्ट बताया गया है, तो मार्च से 90 डेज बाद, मतलब मार्च का टेलीकास्ट के मार्च मंथ आप भूल जाइए, अप्रैल, मई, जून, 90 डेज, जुलाई में मिलेगा। तो आपने जो जनवरी में शूट किया वो आपका पेमेंट जुलाई में मिलता है, और वो भी कभी कभी एंड ऑफ द मंथ। सो फाइनेंशियली आपको प्रिपेयर होके आना है। और क्या होता है ना कि कभी कभी शो 3 महीने के लिए, 4 महीने के, 6 महीने के लिए सपोजिंग चला, तो उसके बाद जब एक बार ऑफ एयर आ जाता है तो जो अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं वो तो टाइम पे करते हैं, कुछ अनफॉर्चुनेटली बहुत ही बुरे प्रोड्यूसर्स होते हैं, बहुत ही बुरे, लेट मी टेल यू, आई हैव ऑल्सो फेस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो आपकी पेमेंट, आपके हक का पैसा आपको देने के लिए बहुत 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 ट्रबल करते हैं, मतलब उनके पीछे पड़ना पड़ता है ऑल द टाइम, यू नो, फिर भी वो बहुत लेट करते हैं, डिले करते हैं, तो वो एक चीज़ है, मेन थिंग है। उसके बाद आपका यू नो कि और ऐसा नहीं है कि आप अगर अभी आ गए तो आपको इमीडिएटली फेम मिल जाएगा,
मैंने जब प्ले शुरू किया था तो मैं बहुत प्रोमिनेंट, अभी जो बहुत प्रोमिनेंट एक्टर्स हैं उन लोगों के साथ मैंने प्लेज किया है, और उस समय उनको कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था उस समय। मैं देखती थी कि माय गॉड कितने टैलेंटेड है ये एक्टर्स, पर यू नो इन लोग को रोल्स क्यों नहीं मिलते हैं। अब जाके लकीली ऐसे रोल्स आए हैं फिल्मों में या OTT प्लेटफॉर्म्स में कि यू नो अलग अलग तरीके के रोल्स, तो वो लोग अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लगता है। उनको फेम अभी मिला है, अभी जाके इतने सालों के बाद, इतने साल स्ट्रगल करने के बाद। तो ऐसा नहीं है कि आपको अभी आएंगे तो अभी इमीडिएट, हाँ ये भी हो सकता है कि आपको इमीडिएटली रोल मिल जाए, आप इमीडिएटली ऐसा कोई शो मिल जाए जिससे आप बहुत पॉपुलर हो जाए, पर अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग एक दो शोज में पॉपुलर होने के बाद वो अपने आप को इतना, मतलब आई शुडंट से दिस बट अनफॉर्चुनेटली, इतना ज़्यादा बड़ा मान लेते हैं कि वो जो अहंकार है जब वो आ जाता है ना, उसके बाद जब शोज नहीं मिलता या काम नहीं मिलता तो उनको बहुत तकलीफ होती है। तो एक तो जो लोग आना चाहते हैं वो स्ट्रगल करने के लिए प्रिपेयर होके आए, और ये प्रिपेयर होके आए कि मुझे अगर काम मिलेगा भी तो मुझ में वो अहंकार नहीं आएगा कि मैं कुछ बन गया या मैं कुछ बन गई, यू नो। और जितनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी ना लाइफ में, उतनी ही ज़्यादा यू नो फेलियर का दुख होगा, फेलियर नहीं पर कुछ चीज़ें ना मिलने का दुख होगा। जैसे कि हमने कितना कुछ प्लान किया था इस साल, पर हम सब आज अपने अपने घरों में बैठे हैं। सो हमारे हाथ में सिर्फ इतना है कि हम अपने आप को प्रिपेयर करें मेंटली, मेंटली स्ट्रांग होके, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेंटली, मेंटली प्रिपेयर करें हम लोग, अपने टैलेंट को प्रिपेयर करें। अगर हमारी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो यू नो किताबें पढ़े, पेपर न्यूज़पेपर पढ़े और अपनी प्रोनाउंसिएशन ठीक करें, या फिर अगर एक्टिंग में कहीं कमी है तो हम अपने आप को अपनी रिहर्सल्स अच्छे से करें। अगर आप अभी जो एक्टर्स ऑलरेडी एक्टिंग कर रहे हैं, अभी भी आप अगर कहीं भी थोड़े से डिप्रेस्ड है कि आपके पास काम नहीं है, तो जो काम है, वर्क इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट आवर फुल लाइफ। हमारी पूरी ज़िंदगी बनती है, हमारी फैमिली, हमारे लोग, हमारा करियर, ठीक है, हमारा यू नो सब कुछ मिल के बनता है। सो सिर्फ एक चीज़ को आप प्रायोरिटी मत दीजिए, ठीक है। अगर एक्टिंग में अच्छा नहीं हो रहा है तो ये सोचिए, क्या पता आपकी निजी ज़िंदगी में शायद कोई ऐसा इंसान हो जिसको आप बहुत प्यार करते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, चाहे वो अपनी आपकी माँ हो, आपके फादर हो, आपके सिबलिंग्स हो, या आपके कोई यू नो योर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हुएवर। इट्स नॉट ओनली दिस दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ, यू नो लाइफ इज़ नॉट, लाइफ शुडन बी सो क्या बोलूँ मैं, मतलब लाइफ इज़ वेरी वैल्यूएबल कि आप यूं ही बस उसको छोड़ दें, यू नो। और अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आप प्लीज़ प्रॉमिस कीजिए अपने आप को कि आप मेंटली स्ट्रांग होकर आएंगे। मेंटल स्ट्रेंथ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मैं बता रही हूँ एक बात, देयर वॉज अ टाइम, मैंने ग्रेजुएशन करने के बाद मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग का एक कोर्स किया था। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि अभी तो मैं बड़ी हो गई हूँ तो मैं कुछ भी हो जाए मैं अपने यू नो पेरेंट्स से मैं पैसे नहीं लूँगी। सो ऑनेस्टली आई डोंट इवन लाइक टेकिंग मनी फ्रॉम माई हस्बैंड। आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी यू नो इंडिपेंडेंट पर्सन, लाइक आई हैव ऑलवेज ट्राइड टू बी इंडिपेंडेंट। सो देयर वर टाइम्स जब मैं ऑडिशंस देने के लिए मेरे पास सिर्फ दो ही कपड़े होते थे, एक सलवार कमीज़ होता था और एक एक टॉप और एक स्कर्ट था जो कि अच्छा था, जो मैं रेगुलर नहीं पहनती थी। सो बस वही दो चीज़ें होती थी। तो जब कोई इंडियन बोलता था इंडियन लुक तो मैं वो सलवार कमीज़ पहन के जाती थी, कोई वेस्टर्न लुक बोले तो मैं वो स्कर्ट और टॉप पहन के जाती थी। तो कभी अगर किसी ने रीशूट री ऑडिशन करने के लिए प्लान किया और मुझे पता था मैं, तो मेरे पास मुझे टेंशन हो जाता था कि शिट आई हैव टू वेयर द सेम क्लोथ्स अगेन। तो और ऐसा भी हुआ है कि कितनी बार, पहले जब मैंने शुरू किया था तो फेमस स्टूडियोज़ में ऑडिशंस हुआ करता था। सो मैं अंधेरी में रहती थी तो मैं ट्रेन लेके विथ मेकअप एंड एवरीथिंग आई यूज़ टू गो टू फेमस स्टूडियोज़, यू नो सलवार कमीज़ पहन के, मेकअप वेकअप करके, पूरा हील्स वील्स पहन के अच्छे से यू नो वहाँ तक जाती थी और आती थी। और एंड देयर हैज़ बीन टाइम्स व्हेन आई हैड नो मनी
एब्सोल्युटली नो मनी. तो उस समय कुछ 8 रुपये या 11 रुपये हुआ करता था ऑटो का रिक्शा. तो वो बचाने के लिए मैं वॉक करके जाती थी जब भी कोई अंधेरी में आसपास अगर ऑडिशन होता था. तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि ऑब्वियसली बुरा लगता है, सबको बुरा लगता है, हम इंसान हैं और हम एक्टर्स तो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल होते हैं वैसे भी. पर फिर भी व्हेन यू कम टू मेक लाइफ इन अ न्यू सिटी, यू नो, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड नॉट टू टेक योर लाइफ. यू कैन नॉट टेक योर लाइफ बिकॉज यू हैव कम टू मेक योर लाइफ हियर. सो यू नो, आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट देर आर लॉट्स ऑफ पीपल हु लव यू. There are lots of other things that has been, that has, you know, that God has given you, which is good. And it's not only your career that matters, you know, it's not only this. So also, please be kind to others. You know, you never know what is going on in somebody else's life. And it's very easy to say ki are aapko to blue tick mil gaya, kisi mujhe kyun nahi mil raha hai, ye wo ye. मुझे, मैंने मतलब एक्टिंग शुरू किया 2003 से, तो मुझे जाके अभी कुछ साल पहले ब्लू टिक आया है. आई एम जस्ट सेइंग, यू नो. सो यू डोंट हैव टू, यू नो, आई नो एक्टर्स, फैब्यूलस एक्टर्स हु आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क इवन नाउ. दे आर शूटिंग एवरी डे बट दे डोंट हैव अ ब्लू टिक. सो इट्स डजंट मैटर, दीज थिंग्स आर वेरी स्मॉल. लाइक यू नो, जस्ट बी मेंटली प्रिपेयर्ड व्हेन यू कम. ऑल द बेस्ट. I wish you luck to all of you who want to act and, you know, want to come to Mumbai to make their careers. But at the same time, please be mentally strong. Remember, you are coming here to make your life and not to take your life. Take care.